नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जन यात्रा टीवी। यूपी के रायबरेली में सरेली थाना क्षेत्र के दशा रानी मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक पर एक व्यक्ति ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, युवक खून से रंग गया। वही हमलावर मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना घायल के परिजनों को दी और घायल को इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देख चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वही युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। अस्पताल की इमरजेंसी में जिंदगी व मौत से संघर्ष कर रहा ये युवक राहुल जायसवाल है, जो कि सरैनी का रहने वाला है। राहुल का प्रेम प्रसंग उसकी ही परिवार की एक महिला से चल रहा था, जिसकी जानकारी होने पर उसके पति ने आज गांव के बाहर दशा रानी मंदिर पर पंचायत बुलाई गई थी। इसी बीच वहां मौजूद महिला के पति ने राहुल पर फरसे से वार कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, राहुल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे सीएससी सरैनी इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत गंभीर देख उसे वहां मौजूद चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती जरूर कर लिया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आपातकाल ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर अतुल पांडे ने बताया कि सीएससी सरैनी से राहुल नाम के युवक को लाया गया है। उसका गला कट गया है, भर्ती कर लिया गया है, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है। क्या हुआ इनको? कौन? इनको कहे से काटा? क्यों? अरे आपकी मेहता कर रहा है, तो पैसा ले लेना। आप कौन हैं? क्या नाम है इनका? राहुल। राहुल क्या परिचय है? एक ये सरैनी से आया है, क्या है पूरा मामला? सरैनी से रेफर है, उसका कोई गला काट दिया है। राहुल जायसवाल 26 साल उम्र है, सीरियस पेशेंट। क्या रेफर भी किया जा रहा है? क्या एडमिट कर रहा है? ईएनटी वाले आके देखेंगे। जैसा कहूँ, कैसे देख रहे हैं तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन यात्रा टीवी।